हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंजंक्शन टॉपिक के एरर्स स्पॉट करेंगे। पहला एग्जांपल है, यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से दैट द रीज़न व्हाई वी हैव सच अ लार्ज टर्नआउट इज बिकॉज वी आर सर्विंग रिफ्रेशमेंट्स। यहाँ पर क्या हुआ है कि कंजंक्शन बिकॉज यूज़ हुआ है। जब कभी भी रीज़न वाई या रीज़न यूज़ रीज़न वर्ड सेंटेंस में आ जाता है, उसके बाद अगर बिकॉज़ यूज़ हो रहा है, फिर ये सेंटेंस सुपरफ्लुअस हो जाएगा। यहाँ पर या फिर रीज़न रहेगा या फिर बिकॉज़ रहेगा। तो अगर हम रीज़न पहले हमारे सेंटेंस में आ जा रहा है तो बिकॉज़ का यूज़ नहीं होगा। अगर बिकॉज़ है तो रीज़न का यूज़ नहीं होगा। तो इसमें से एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सेकेंड है, That store had not hardly any of those goods. Had not hardly, जब कभी भी hardly word या conjunction आ जाए तो had not मतलब not word use नहीं होगा, not नहीं use होगा। Sentence सीधे रहेगा, That store had hardly any of those goods। तो error हमारा B में है। Third, I needed that money so desperately, it was like manna from heaven when it arrived. I needed that money so desperately, it was like manna from heaven when it arrived. यहाँ पर so हमेशा that को follow करता है, तो यहाँ पर that नहीं होगा, that desperately के बाद आएगा। So desperately that It was like manna from heaven when it arrived. यहाँ पर डैट नहीं होगा, सो के बाद हमेशा डैट आएगा, ये रूल है। फोर्थ, द पीरियड बिटवीन 1980 टू 1990 वॉज वेरी सिग्निफिकेंट इन माई लाइफ। हमेशा ये याद रखना है कि बिटवीन टू को फॉलो नहीं करता, बिटवीन हमेशा फॉलो एंड को करता है, तो टू की जगह एंड आ जाएगा। एरर बी में है। फाइव, नो सूनर हैड द हॉकी मैच स्टार्टेड व्हेन इट बिगेन टू रेन। हमेशा नो सूनर देन को फॉलो करता है, व्हेन को नहीं। टी एच ए एन, स्पेलिंग याद रखिएगा, टी एच ए एन। कभी कदार ई दे दिया जाता है तो वो भी एरर होता है। एरर हमारे यहाँ पर बी में, व्हेन फॉलो नहीं करेगा नो सूनर। सिक्स, सी इज वेरी ब्यूटिफुल बट इंटेलिजेंट। यहाँ पर सेंटेंस पढ़िए एक बार फिर से, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। यहाँ पर कोई सेंस नहीं आ रहा है, बट कंजंक्शन यूज़ हो रहा है और यहाँ पर कोई सेंटेंस का सेंस नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ये करेक्ट करना पड़ेगा कैसे, सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट। एरर सी में है, यहाँ पर एंड बट की जगह एंड यूज होगा। सेवेंथ, Your success in the IAS examination depends not only on what paper you have selected, but on how you have written them. यहाँ पर word not only use हो रहा है और conjunction but. तो हमेशा ये याद रखिए कि not only अगर use हो रहा है तो but के साथ also भी आएगा, क्योंकि ये rule है not only but also, हमने पढ़ा है conjunction में। तो यहाँ बट के आगे ऑल्सो भी ऐड कर दिया जाएगा। एरर सी में है। फिर से सेंटेंस रीड कर लेते हैं। योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशंस डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। बट ऑल्सो यहाँ पर होगा। एट्थ, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन। यहाँ पर देखिए देन यूज हो रहा है, देन की स्पेलिंग गलत है, ई एन यूज हो रहा है। यहाँ पर टी एच ए एन यूज होगा, क्योंकि नो सूनर हमेशा देन को फॉलो करता है। नाइन्थ, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नैदर माई सिस्टर। फिर से रीड करते हैं एक बार, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नैदर माई सिस्टर। हमेशा एक ये रूल है कि नैदर जब भी आता है सेंटेंस में तो ये वो हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करता है बिफोर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये माई सिस्टर हो गया ये, तो यहाँ पर इससे पहले एक
हेल्पिंग वर्ब हैज यूज कर देंगे। फिर से सेंटेंस रीड करते हैं, देखिए सेंस आ रहा है। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर हैज़ माई सिस्टर। यहाँ पर अब ये सही हो गया सेंटेंस, तो एरर सी में था। नाइदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज करता है अपने बाद। टेंथ, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। फिर से रीड करते हैं, स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। हमेशा एक रूल है कि स्कार्सली जब भी यूज होगा उसके बाद वेन फॉलो करेगा, स्कार्सली हमेशा वेन को फॉलो करेगा, तो यहाँ देन नहीं आएगा, देन की जगह वेन आएगा, ये रूल है। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड वेन द ट्रेन लेफ्ट। इलेवेंथ, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। द रीज़न, देखिए यहाँ पर हम लोग ने पहले सेंटेंस में स्पॉट किया था रीज़न के बेसिस पे, अगर रीज़न यूज़ हो रहा है तो बिकॉज यूज़ नहीं हुआ, ये सुपरफ्लुअस सेंटेंस को कर देता है। अगर बिकॉज यूज़ हो रहा है तो रीज़न यूज़ नहीं होगा, तो स्पॉट एरर हम सी में मानेंगे, क्योंकि रीज़न हम पहले यूज़ कर रहे हैं, बाद में बिकॉज आ रहा है। ट्वेल्थ, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। एक ये भी रूल है कि अनलेस नॉट को फॉलो नहीं करता है तो ये डू नॉट नहीं होगा। अनलेस यू गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट, ये करेक्ट सेंटेंस होगा, तो ए में इस एरर्स है, अनलेस हमेशा डू नॉट को फॉलो नहीं करेगा था। नेक्स्ट 13th, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर ये कॉम्प्रहेंड और सॉल्व वर्ब है, ये वर्ब है, तो देखिए यहाँ पर आइदर और एक रूल होता है, तो सॉल्व से पहले और आ रहा है, तो यहाँ पर कॉम्प्रहेंड से पहले आइदर आएगा, यहाँ पर मतलब आफ्टर टू के बाद आइदर आएगा, यहाँ पर टू से पहले कर दिया है। अब सेंटेंस सेंस आएगा इसमें, नॉन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल टू आइदर कॉम्प्रहेंड और सॉल्व द प्रॉब्लम, ये दोनों वर्ब हैं, हमेशा वर्ब से रिलेट करते हैं आइदर और। 14th, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर विलिंग और कैपेबल। यहाँ पर नैदर यूज़ हो रहा है और नैदर हमेशा नॉर को फॉलो करता है, और को नहीं करता है, तो ये और नहीं होगा, यहाँ पर नॉर होगा। 15th, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इनवाइट यू टू अटेंड द मीटिंग। यहाँ पर वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड, यहाँ पर प्लीज्ड, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, एंड होगा, सेंस नहीं आ रहा है यहाँ पर। देखिए वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड, प्लीज्ड फॉर नहीं, प्लीज्ड एंड एक्साइटेड, एज वेल टू इनवाइट यू एट टू अटेंड द मीटिंग, तो एरर बी में है। 16th, व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन सी वॉज वेरी हैप्पी। तो व्हेन हर सन गॉट अ जॉब देन सी वॉज वेरी हैप्पी, व्हेन हमेशा देन को फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ पर देन नहीं होगा। When her son got a job, she was very happy. सीधे सेंटेंस ही होगा, तो इस एरर बी में होगा, याद रखिएगा when then को फॉलो नहीं करता। 17th, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट, ये एक आइडियम है, ब्रेड एंड बटर इज ऑल वी वॉन्ट, यहाँ पर डैट छूट गया है, ऑल डैट वी वॉन्ट, अब सेंटेंस ये करेक्ट हुआ, ब्रेड एंड बटर इज ऑल डैट वी वॉन्ट, एरर सी में था। 18th, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई एज 10 times द एग्जिस्टिंग वंस। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो हाई, ये एक रूल है, सो और एज साथ में आते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस होता है, सो एज, जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तब सो एज का यूज़ करते हैं, अगर नेगेटिव नहीं है तो एज, सो को हम एज कर देंगे। फिर से सेंटेंस रीड करते हैं, द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी एज हाई एज 10 times द एक्साइटिंग वंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर एज यूज होगा।
Next, 19th, he walked as faster as he could so that he could not miss the train to work. यहाँ पर देखिए he walked as faster. यहाँ as faster मतलब ये देखिए er लगा, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा तो ये er नहीं रहेगा. as fast as, he walked as fast as, ये एडजेक्टिव हम लोग ने पढ़ा है फास्ट, faster, fastest, तो as यूज होता है तो fast पॉजिटिव फॉर्म होता है. 20, she was running a very high fever and thus her mother takes her to the doctor. यहाँ पर does नहीं होगा, यहाँ पर so होगा, so ज़्यादा बेटर यूज हो रहा है यहाँ पर. she was running a fever very high and so her mother, और takes, sorry यहाँ पर takes की जगह took भी होगा, ये past tense में आएगा, error C में है. 21, no sooner the teacher entered the class then the student stood up. यहाँ पर no sooner के बाद हमेशा verb यूज़ होती है, had होगा या फिर did होगा. तो यहाँ पर देखिए enter ये past tense में नहीं है, यहाँ पर ये sorry past tense कह रहा हूँ मैं, ये third form में नहीं है, तो यहाँ पर did यूज़ होगा. no sooner did the teacher enter the class, अगर यहाँ पर ed होता entered तो यहाँ पर had यूज होता.